बेटा अब बात आई, मैंने कहा कि जो जो स्नेक था बेटा, स्नेक में भी उसकी मसल्स रहती हैं बेटा। मसल्स मसल्स क्या करती थी, स्नेक की मसल्स क्या करती थी कि उसको रेक्टिलिनियर मोशन में, ठीक है, कंसेंट्रिक मोशन में मूव करवाती हैं बेटा, मूव करवाती हैं, एक मसल दूसरी मसल को खींचती है, पुल करती है। पुल करना ही तो काम होता है बेटा, खींचती है, इस तरीके से काम करती हैं। जैसे मैं अगर मैं कहूँ कि बेटा तुम आओ बेटा इधर, तुम आओ इधर, आओ खड़े आओ बेटा, बेटा आओ इधर आओ, बोर्ड पे बेटा। बेटा मान लो बेटा कि मैं, इमेजिन करेंगे बेटा, अभी मैंने इमेजिन करने को दिया तुम्हें, इमेजिन करने को दिया है कि तुम अब से, अभी पहले स्नेक मूवमेंट पढ़ा है, तुम मान लो स्नेक हो बेटा, स्नेक हो, सांप हो, तुम सबके सब सांप हो, सांप की तरह सोचेंगे बेटा, ठीक है, तुम सबके सब स्नेक हो बेटा। अगर मैं स्नेक हो तो तुम कैसे मूव कैसे करोगे बेटा, खुद सोचो, तुम्हारे शरीर के अंदर बोन्स है ही नहीं बेटा, मूव कैसे करोगे। मूव करने के लिए तुम क्या करोगे कि जैसे इस दीवार पे तुम्हें चढ़ना है, ऊपर चढ़ना बेटा, ऊपर चढ़ना बेटा, इस दीवार पे ऊपर चढ़ना, तो बेटा सबसे पहले ऊपर की दीवार को पकड़ोगे, किसी चीज़ को पकड़ोगे, पकड़ोगे और खुद को खींच के ऊपर जाना चाहोगे, जाना चाहोगे, जाना चाहिए, यही तो किया तुमने, जाना चाह बेटा। इसने अभी क्या किया कि ऊपर पकड़ के ऊपर खींचना चाहना बेटा, इसी तरीके से उसकी एक उसकी मसल्स आगे चिपकी और खुद को, शरीर को खींचा उसने, खींचा, पुल किया उसने, पुल किया बेटा, इस तरीके से मूव किया। बाकी उसने जो सेप बनाया ना, पूंछ का सेप, पूंछ का सेप कर्वीलिनियर जब बनाया तो झटका जब दिया ना, उस झटके की वजह से एक थ्रस्ट प्रोड्यूस हुआ बेटा, थ्रस्ट प्रोड्यूस हुआ तो धक्का देके वो आगे चला गया, समझ गए, उस थ्रस्ट की वजह से वो धक्का देके आगे चला गया, ऐसा हुआ बेटा, ठीक है। अब बेटा कॉकरोच के बारे में पढ़ लेते हैं। अब मैंने ये मेरे पास तो ऐसा वरदान है ही कि मैं तुमको कुछ भी बना देता हूँ। अब बेटा अब मैंने तुम लोगों को तथास्तु कॉकरोच बन जाओ बेटा, कॉकरोच बना दिया बेटा, अब तुम कॉकरोच बन गए, सबके सब कॉकरोच हो गए बेटा, अब कॉकरोच हो तुम्हारे, कॉकरोच हो बेटा। अब क्या है बेटा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तुम मूव किस तरीके से करते हो बेटा, किस तरीके से मूव करते हो, देखते हो पीछे वाला जो पैर है उसको स्विंग करते हो आगे की तरफ, स्विंग किया, क्योंकि पैर ऐसा है तो स्विंग किया बेटा, स्विंग, स्विंग मतलब घुमाना, इस तरीके से बेटा स्विंग किया, स्विंग किया बेटा, और इस वाले पैर को, इस वाले पैर को, ये वाले पैर को जमीन में स्टेंस किया बेटा, स्टेंस किया, इसको स्विंग किया, इसको स्विंग किया और इसको स्टेंस किया, स्विंग स्टेंस, और आगे वाले को भी बेटा स्विंग किया बेटा, स्विंग किया, इस वजह से तुम आगे बढ़ते जा रहे हो बेटा। अब इस तरीके से मूवमेंट क्या है, मूवमेंट कुछ इस तरीके से है कि बेटा ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस तरीके से बेटा स्टेंस हो रहा है बेटा। और बीच वाले पैर की मूवमेंट कैसी है बेटा, ये 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 बेटा, समझ आया कि नहीं, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बेटा ये है, अब मैं ध्यान दिखा, मैंने ध्यान दिलाऊंगा कि देखो मैंने इसके पैरों पर भी, तो मैं देख रहे हो एक पैर ये नीचे की तरफ, नीचे की तरफ कर रहा है तो दूसरा पैर स्विंग कर रहा है, फिर इससे थ्रस्ट मारा बेटा तो इस वाले पैर को स्विंग कर रहा है, इससे थ्रस्ट मारा तो इसको स्विंग कर रहा है, देख रहा है, देख रहे हो कि जब ये वाला पैर, ये वाला पैर, ये दोनों पैर हैं मेरे, पैर हैं बेटा, पैर देखो, पैर देखो, दोनों पैर हैं, पैर देखो, ये दोनों पैर में हैं, ये मेरे पैर हैं बेटा, ध्यान देखें, क्योंकि मैं अब कॉकरोच हूँ बेटा और तुम सब भी कॉकरोच हो, एक कॉकरोच टीचर बाकी सारे कॉकरोचों को पढ़ा रहा है बेटा, ध्यान से। अब बेटा ध्यान समझोगे बेटा, मैंने इसको धक्का दिया नीचे जमीन पर, धक्का दिया बेटा, धक्का दिया और इसको आगे रखा, यानी इससे धक्का और इसको आगे आगे किया, समझ आया बेटा, इस तरीके से बेटा, फिर इसको पुश किया नीचे और इसको आगे, फिर इसको पुश किया, इसको आगे, इसको पुश किया, इसको आगे, समझे, समझ आया मूवमेंट बेटा, एक पैर को स्टेंस करना है, दूसरे को स्विंग करना है, समझे, इस तरीके से कॉकरोच मूव करता बेटा। सारे कॉकरोच तो सीख गए कि नहीं अपनी मूवमेंट को बेटा, तो फिर से वापस इंसान बन जाओ बेटा और इसे लिख लो। तो बेटा ये तुमने कॉकरोच बना लिया। अब बेटा कॉकरोच में ये बेटा इस तरीके से तुम देख रहे हो, ये इस तरीके से बॉडी को डिवाइड कर रखा बेटा, ये मसल्स हैं बेटा, ये मसल की मूवमेंट की वजह से, ये मसल ही हैं जो इसके लेग्स को इस तरीके से मूव करने दे रही हैं। एक पैर बेटा, एक पैर नीचे स्टेंस हो पा रहा है, एक पैर स्विंग कर रहा है, इसलिए हो पा रहा है क्योंकि वहाँ पर मसल उसको काम करने दे रही हैं, मसल की मूवमेंट की वजह से ऐसा हो पा रहा है। मैंने बताया था मसल यानी पुल, मसल क्या कर सकती हैं, पुल कर सकती हैं, पुश नहीं कर सकती, तो मसल पुल करती हैं बेटा, उसको पुल करते हैं, समझ गए बेटा, इतना समझ आ गया। अब बेटा मैं ये वाला टॉपिक हो गया बेटा, तो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं बेटा, इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं।